आइए आज आपको आज का पहला महा उपाय बताते हैं, क्योंकि आज पति पत्नी के पांच महा उपाय बताने का वक्त है। सबसे पहले की बात कर लेते हैं, क्या आपको लगता है कि पति आपको छोड़कर किसी और फीमेल से प्यार करने लगे हैं? ऐसे में ट्यूसडे को शाम को एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर एक लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की विग्रह चित्र को स्थापित करें। सुगंधित चमेली के तेल का दीपक जलाएं, गुगल की धूप करें, हनुमान जी के विग्रह को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, कुछ बूंदे चमेली के तेल की चढ़ाएं और सिंदूर की बिंदी लगाएं। उनके सामने एक सफ़ेद हकीक का पत्थर पर हनुमान जी के दाएं पैर के लिए सिंदूर से पति की एक हकीक पर अपना नाम लिखें और बाएं पैर के सिंदूर से हकीक पे पत्थर पर जिस फीमेल से आपको लगता है हस्बैंड का अफेक्शन है उसका नाम लिखें। एक मंत्र बताने जा रही हूँ, उसका 51 माला का जाप करें और आग की लकड़ी पर घी गुगल से 108 आहुतियाँ दें। मंत्र नोट कीजिए, बहुत आराम से पढ़ूंगी। ओम अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान वीर वैताल साथ लावे मेरी सौत अमुक, मतलब अमुक के पति छुड़ावे, उच्चाटन करे करावे मुझे वैग पति मिले, मेरा कारत सिद्ध ना करे तो राजा राम की दुहाई। अब आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये जान लेते हैं। क्या पति बार बार छोड़ने की धमकी दे रहे हैं? अगर पति बार बार छोड़ने की धमकी दें या वो अपनी पत्नी को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो तिलक का उपाय कीजिए। इसके लिए नारियल धतूरे के बीज को कपूर के साथ पीस लें, उसमें शहद मिलाकर रोज़ बिंदी के तौर पर लगाकर पति के सामने जाएं। कुछ ही दिनों में इसका असर इस तरह होगा कि पति दोबारा कभी नहीं कहेगा कि उसे छोड़ देगा या कहीं और अफेयर करने लगेगा। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है आइए आपको बताते हैं। सवाल ये है कि क्या पति का प्यार नहीं मिला? किसी भी शुक्रवार की रात सोने से पहले 3 इलायची इष्ट देव समेत कृष्ण जी को याद कर अपने शरीर से छुआने के बाद कहीं छिपा दें। छिपाने के लिए अपनी साड़ी के पल्लू के दुपट्टे के कोने में बांध लें या फिर रुमाल में बांधकर अपने पास रख लें। अगले रोज़ शनिवार को उस इलायची को पीसकर खाने की किसी भी चीज़ में मिलाकर पति को खिला दें। ऐसा 3 फ्राइडेज तक करने के बाद अच्छे नतीजे आने लगेंगे, पति का प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। अब पति पत्नी का चौथा महा उपाय जानते हैं। क्या पति आपके कंट्रोल में नहीं है? सैटरडे की आधी रात को पति का 21 बार नाम लेकर लौंग पर फूंक मारें, फिर इसे आग के हवाले कर दें। इस प्रयोग से लगातार 7 बार करें, 7 दिनों तक करें। इसके बाद हैरान करने वाले रिजल्ट्स आपको 8वें दिन देखने को मिलेंगे। आइए अब आपको आज का 5वां महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। क्या कोई दूसरी औरत आपके पति पर डोरे डाल रही है? हर रविवार को अपने सोने वाले कमरे में गूगल की धुनी जलाकर पति को अपने प्रति आकर्षित कर सकती हैं। ये बहुत आसान है लेकिन असरदार प्रयोग है। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें कल अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग विष्णु जी की पूजा करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। वृषभ राशि के लोग घर वालों के साथ बैठ कर खाना खाएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। मिथुन राशि वाले लोग बच्चों को मिठाई खिलाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कर्क राशि वाले लोग पान का पत्ता कल मंदिर में रखें, किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। सिंह राशि वाले लोग लक्ष्मी जी की पूजा करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। कन्या राशि वाले लोग चिड़ियों को बाजरा खिलाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। तुला राशि वाले लोग सुबह बिना दूध की चाय पीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। वृश्चिक राशि वाले लोग बिजली के सामान को बिल्कुल ना छेड़ें कल, भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। धनु राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए आप, किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मकर राशि के लोग दही खा कर घर से निकलें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग हनुमान जी की पूजा कीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। और मीन राशि के लोग कल आलू खाएं भी गरीबों में बांटे भी, भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%।